मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके गृह हल्के सिराज से एक व्यक्ति ने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट डालकर जान से मारने की धमकी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट चंद मिनटों में ही वायरल हो गई। आरोपित हेम राम सिराज संघर्ष समिति का सचिव एवं कांग्रेस कार्यकर्ता है। वह जंजैली के साथ लगते पांडवशिला गांव का रहने वाला है। एसएसबी से कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हेम राम क्रमिक अनशन पर बैठा था। वह जंजैली क्षेत्र में इन दिनों टैक्सी चलाता है। पुलिस ने उसके विरुद्ध जंजैली थाना में देर रात जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। आरोपित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामले की जांच का जिम्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडी भूपेंद्र कंवर को सौंपा गया है। आरोपित का कहना है कि उसने इस तरह की कोई पोस्ट नहीं डाली है, किसी ने उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर पोस्ट डाली है। पुलिस अब इस बात की सत्यता जानने में लगी हुई है। आरोपित का मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। डीएसपी करसोग रामकरण ने आरोपित से करीब 4 घंटे पूछताछ की, जिसे मंडी तलब किया गया। जंजैली में एसडीएम का रैली की अधिसूचना रद्द करने के विरोध में 2 फरवरी से आंदोलन चल रहा था। जंजैली की 2-3 पंचायतों के लोगों ने सिराज संघर्ष समिति का गठन किया। हेतराम 16 फरवरी से व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोगों व ग्रुपों में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भरे संदेश भेज रहा था। फेसबुक अकाउंट पर उसने खुद मरने से पहले जयराम को मारने का संदेश पोस्ट किया था। धार्ज रोल पंचायत के उपप्रधान टेक सिंह ने हेतराम के विरुद्ध मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दिए जाने का केस दर्ज करवाया। आरोपित के विरुद्ध मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया। उसे पुलिस थाना जंजैली में तलब कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस स्टेशन जंजैली में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसमें ये कहा गया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धमकी भरा संदेश फेसबुक पर दिया गया था। उसमें मामला दर्ज किया गया और वो मामले का अन्वेषण मेरे द्वारा अमल में लाया जा रहा है। अन्वेषण के दौरान जो संबंधित गवाह हैं उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए और जो इसमें जो आरोपी है उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। उसका मोबाइल फोन जो कस्टडी में ले लिया गया है और उससे भी पूछताछ जारी है। इस अभियोग का अन्वेषण प्राथमिकता पर चल रहा है और कॉरेस्पॉन्डेंस कर लिया गया है, क्योंकि इसमें मामला फेसबुक के संबंधित है तो संबंधित फेसबुक कार्यालय को भी पत्राचार संबंध में किया गया है। तो अभी तक इसका अपयोग अन्वेषण चल रहा है। धन्यवाद। और आरोपी कौन और कहां का है? आरोपी जो अभी तक फैक्ट सामने आए हैं वो हेतराम नाम का व्यक्ति है, जो थुनाग क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, उससे पूछताछ बराबर जारी है।